पाँच साल के काल में ये हमारी बात नहीं सुनते हैं तो बताए कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं मुझको? हम जा रहे हैं खुद इलेक्शन में, खुद लड़ लड़ करके उस पटिया को हम दुरुस्त कराएंगे, उस काम को हम कर जो काम रुका हुआ उस काम को हम कराएंगे। अच्छा तो ये चाचा इंतकाब आलम की बहुत बात हो रही है कि बहुत सुख दुख में काम आते हैं, बहुत काम कराते हैं, आई कह रहे हैं कि झूठे बात करते हैं, आप क्या कहेंगे? भाई काम तो कराया है मगर कुछ काम अधूरा छोड़ दिया है। रजिस्ट्रेशन का रास्ता अधूरा छुट्टा हुआ है, आजाद रोड अधूरा छुट्टा हुआ है, हम हुसैनाबाद में जो नाली है और नाली पर फटिया नहीं लगी हुई है, ये सब कुछ कमी तो है ही है। अच्छा कुछ काम कराए, कुछ कमी भी है? कुछ कमी भी है। तो वोट देते जब क्या दिमाग में रहेगा? वोट देते हम सोचेंगे ना, हम तो खुद जा रहे इसीलिए लड़ने जाने लगते हैं, खुद लड़ना है। जब ये हमारी पाँच साल के काल में ये हमारी बात नहीं सुनते हैं तो बताए कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं मुझको? हम जा रहे हैं खुद इलेक्शन में, खुद लड़ लड़ करके उस पटिया को हम दुरुस्त कराएंगे, उस काम को हम कर जो काम रुका हुआ उस काम को हम कराएंगे। कितने इनके साथ है लोग? कोई साथ है? तमाम लोग हमारे साथ में है, पूरा गाँव हमारे साथ में है। और क्या गाँव कहेगा हमारे साथ में नहीं है? जनता कहेगा बोलते वाला नेता हमको चाहिए, एसी में रहने वाला नेता नहीं चाहिए हमको। जो चौराहे पर रहे जनता के बीच में, जनता के बीच में रहे, उसके हमें वोट देना है, उसको हमें जिताना है कि हमारी लड़ाई लड़े और सरकार से हमारा फायदा करावे, हमारा विकास हो। जब मैं कहता इतना बड़ा आदरी क्षेत्र है, कोई बढ़िया स्कूल इसके कॉलेज नहीं है जिससे लड़के पढ़ करके इंजीनियर हो डॉक्टर हो, जरूरत है कि नहीं जरूरत है? आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? हमें पहले स्कूल बनवाना है, किस्म का अस्पताल बढ़िया खोलना है। चेयरमैन तो नहीं बनवा पाते, वो तो विधायक मंत्री बनवाते हैं। अरे हम कोटा निकलवाएंगे ना विधायक से मिल करके, उनसे पैसा निकलवाएंगे कि निकलवा लिया हमारे काम में, गाँव में हमें जरूरत है। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं झूठे का झूठे बोलेंगे कौन जी? जब बोलते हैं झूठ, अबे झूठ तो सभी बोल रहे हैं, क्या किया जाए? मुलायम सिंह झूठ बोल के चले गए, अखिलेश भी आज झूठ बोल रहे हैं, तो क्या किया जाए? सब तो झूठ बोल रहे हैं। नेता मतलब झूठा, झूठा यही साबित कर रहे कि नेता मतलब झूठा। जनता के बीच में कहेंगे जनता पोल कहाँ खोलने अपने? अरे जनता क्या करे, जनता जनार्दन जो जिसको पढ़ा पढ़ा देता है वही पढ़ा पढ़ लेते हैं। आप भी पढ़ाएंगे? क्या पढ़ा रहे हैं? हम नहीं पढ़ा रहे, हम तो जाकर हमने तो आजाद रोड पास कराया, बगैर इलेक्शन लड़े हुए लोग जानते नहीं, पूरी अदरी जानती है इस मामले को। यहाँ पे बाजार लगवाया है मैंने, पूछ लीजिए पूरे नेता जी। अरे बोल रहे हैं कि सब नेता झूठे हैं, हम झूठ बोलेंगे? अरे भाई नेताओं की क्या बात है, कोई बात नहीं है। कब्रिस्तान का मामला है, तमाम चेयरमैन आए कहा कि हम कब्रिस्तान को गिरवा देंगे, किसी चेयरमैन ने गिरवाया आज तक? कोई बता दे न, राजकुमार गिरवाए न इंतखाब गिरवाए न सौलत गिरवा पाए, कोई चेयरमैन गिरवाया हो तो कोई बता दे। जनता हमारे गिरवाने की खातिर हम सीना हम सरकार से बजट निकलवाएंगे और हम उसको गिरवाएंगे। यहाँ की जनता कह रही है कि कब्रिस्तान से ज्यादा रोड खड़ंजा नाली जरूरी है, नाली सफाई जरूरी है। नाली की सफाई चल के देख लीजिए, पचासों पटिया टूटी हुई है। हाँ कब्रिस्तान पे जाने का रास्ता जो ना, फिर देखिए फिर यहाँ की जनता कह रही है जहाँ से रोज आते जाते हैं जरूरी है कब्रिस्तान जरूरी है। भाई कब्रिस्तान में हमको जिंदगी भर रहना है, वहाँ के लिए कोई तैयारी नहीं है? चंद दिन रहना उनका एक चार महला बन रहा है। सुनिए जहाँ जिंदा रहते वहाँ साफ सफाई जरूरी है कि मरने के बाद? मरने के बाद हमारे यहाँ कहा जाता है उसकी भी सफाई सुथरी रखो, इसलिए कि उसमें आप रहते हैं वो जरूरी है, लेकिन पहले जिंदा वाला जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है, मगर वो भी तो काम पर जरूरी है। जिंदा वाला काम सही हो रहा है, गांव गली साफ हो रहा है? सही हाँ साफ हो रही है। आई कहता हूँ कि मरने के बाद सफाई चाहिए। वो आदरी देहात की बात कर रहे हैं, उनका आदरी देहात में, उनका भी कमा जरूरी है ना, उनका भी कमा जरूरी है। प्रधान से कहे, वो प्रधान से ना कहेंगे, चेयरमैन से कहेंगे, टाउन एरिया में है? नहीं टाउन एरिया नहीं है, प्रधानी में। अच्छा चलिए कुल मिला के चेहरा बदले या चेहरा वही रहेगा? वही चेहरा रहेगा। तू नेताजी? ना चेहरा का मैं बदलना है, आप चेहरा वही रहेगा, वही रहेगा। चेयरमैन चेहरा बदला के रहेगा, चेहरा बदलेगा, चेहरा बदलेगा रहेगा। अरे बहुत दूर जाएगा ये चेहरा, दिखेगा नहीं भाई। ये चेहरा ऐसा है ना भाई, दो ग्रुप अगर मारा मारी कर लेता है ना तो दोनों ग्रुप को सलटा नहीं पाता है, सियासत नहीं आती इसको। और जब से आए ले ना भाई सिर्फ दलाली चालू है यहाँ, आड़ा टेढ़ा माल, वो उसका कब्जा कर लिया, वो उसका कब्जा कर लिया। वो बंदा ठीक है अपने आप में, लेकिन उसके गांड के पीछे जो चमचे लोग घूमते है ना भाई, वो बराबर नहीं है। वो क्लियर आदमी है भाई, पढ़ा लिखा आदमी है लेकिन सीधा आदमी है, और सियासत नहीं आती है। अब की बार वापस जायसवाल आ रहेला भाई, आ पक्का जायसवाल भाई आएंगे इस बार, एकदम क्लियर भैया 100%। तो देखिए यही है अदरी जो नगर पंचायत का माहौल, कोई कह रहा है खूब काम हो रहा है तो कोई कह रहा है कि काम अभी अधूरा रह गया है, वहीं कुछ लोग कहना है कि चेहरा इस बार चुनाव में बदलने जा रहा है, लेकिन ये जनता तय करेगी कि चुनाव में क्या होगा। तो तमाम नगर पंचायत की खबर के लिए बने रहिए अभिषेक सिंह के साथ।